सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। देखो जी लेकर कम का माल हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो संगत जी, शहर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे किन्ना का प्राण शुरू का ये लो आए 300 साल का प्राण, 300 साल का इसके पूरे अंग है। मेरे दादे पर दादे जी इसे रखे हुए हैं, अपना हमको थोड़ू यार है देखो आ हाल इन्होंने महाराज प्रकाश रखे, तुम आप देखो कितने दिन आ रखो आ कीड़े पड़ गए, कीड़े कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े पुठे स्वरूप महाराज दे रखे आ। खोलो महाराज जी आ देखो संगत जी, पुठे महाराज दे प्रकाश रखे आ। के कहने दिते सी इह सिद्धि दा करो पटना साहब से लेके आए थे, और कौन सा किस किस के पास से लेके आए थे? गुलवारे से। क्या नाम था उसका? राजा सिंह जी। क्या क्या होता था उसका? वो पहले वहाँ का सेकंड प्रधान। सेकंड प्रधान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। संगत जी बिहार थां थां पर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जे महंता ने रखे हुए आते संगत इतने भी रखे सानू हरजोड़ी तो कुछ कल भी 40-45 किलोमीटर जोड़ा है पटना साहब तो 150-200 किलोमीटर अगर इस जीतों से गुरुद्वारा साहब बिच शाम साहब लगा तो बिचे जोड़ा माता का एक मंदिर जोड़ा बनया है, वो अंदर जाके देखा तुम दसागे कि अंदर किस तरह की वो महत्व मर्यादा रख रहा है। तो देश के अंदर जाते दो निशान लगे है, एक मंदिर का निशान था, एक साधा निशान था, तो अंदर जाके देखा कि अंदर वाहेगुरु। चलो संगत जी वाहेगुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी वाहेगुरु। लाइट जगाओ यार, लाइट जगाओ जी, वाहेगुरु जी, लाइट जगाओ। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। इमरजेंसी जगा दे। हाँ दोनों है पानी है जहाँ? हाँ सीसी है ना अंदर देख लो कहाँ। वाहेगुरु आ देख लो संगत जी, हम कागज से आए हैं तस्से। बाबा जी आता हूँ मरी संगत जी देखते हैं इतने की मर्यादा इतने करो दर्शन बाबा जी। तो यहाँ मतलब करो दर्शन करो आओ उठाओ इसे जय भी गुरु ग्रंथ साहब जी है। आज ये हाथ का लिखा हुआ है पटना साहब से। पटना साहब दिया कब दिया था? राजा सिंह। कब दिया था? होगा कोई राजे को लिखा हो। अच्छा हाथ कितना बार दिल्ली से आया जानते हैं? दिल्ली से आया मांगने। करो इधर बैठो ना प्रकाश करो महाराज का।
दिल्ली से आया कितना मांग रहे कि दे दो, तो पटना फोन किया तो जनरल सेक्रेटरी बोला कि कोई अपना इसमें को देता है क्या, तो फिर उसको झाड़ा तो भागा है। हम भी कलकत्ता से आए हैं, ऊपर से आए हैं तख्त से। आप बोल रहे थे लाइट कटी हुई है। अरे अभी आया। चलो कोई नहीं, करो करो बाबा जी। जय प्रकाश क्यों नहीं करते, इधर आओ। प्रकाश क्यों नहीं करते? हम वाहेगुरु एक ओंकार जप लेते जो बता के गए। आप पढ़े लिखे नहीं हो? उत्तर नहीं है। क्यों पढ़े लिखे क्यों नहीं है? तो फिर ये मतलब क्यों गुरु ग्रंथ साहब बोले है कि हिंदी का आपको मंगवाई? चलो हम देखो संगत जी, ए गुरु ग्रंथ साहब ना कोई प्रकाश ते पुट्ठा प्रकाश रखा महाराज जी का। सो संगत जी ऐसा ही देखो थां थां ते जिहड़े तुसीं देख सकदे पटना साहिब दी जिहड़ी कमेटी ने दित्ते इन्हां नूं प्रकाश, पुठे स्वरूप महाराज रखे आ। खोलो महाराज जी, आ देखो संगत जी पुठे महाराज प्रकाश रखे आ। कहने दिते सी इह, सिद्धी तां करो, कहने दिते सी इह? इधर आओ मंत जी, इधर आओ, कोई बात नहीं, सीधा करो सीधा करो। ये नवा प्रकाश दिया आपको है ना, कब दिया जे दिखा? चलो बाबा जी देखो, इधर ये साबुन लेके आओ, जी हाथ में दर्शन करेंगे हम, साबुन और बाल्टी में पानी दो। एक मिनट बाबा जी, इधर रख दो, कोई नहीं, कर दो कर दो, बस सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम लैट नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम लगा दीजिएगा। सो संगत जी, आप रजौरी तो आंदे हुए सानू किसी ने दसिया सीगा कि महाको साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप दो पे आ, एक स्वरूप नवा आ, दूसरा जरा हथ लिखित स्वरूप आ, ये तुम दर्शन कराने। देखो जी संगत जी, संगत जी करो दर्शन जी। सत नाम वाहे गुरु, 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 सत नाम वाहे गुरु। सो गुरमुख प्यारी साध संगत जी, देखो ये पहला दे जड़े गुरु साहब दे स्वरूप जड़े आ ओ किस तरह रखे है इन्होंने, दो तरह बचा के रखे है। देखो जी देखो संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप अगे सो संगत जी देख सकते तुसी ए पूरे गुरु गुरु दी बाणी तो बचा के रखे है सरदार जी, ने तो कब का खत्म हो चुका होता, हम स्थान छोड़ के क्यों नहीं जा। सो संगत जी देखो इथे महाराज जी प्रकाश साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पुरातन जिहड़ियां बीड़ां ए महंता ने रखियां, महाराज का पुरातन कितना पुरातन स्वरूप है, कितना पुराना स्वरूप है, ये लोहा 300 साल का, 300 साल का इसके पूरे अंग है। मेरे दादे पर दादे जी इसे रखे हुए, उतना हमको थोड़ा याद है, छोटा बच्चा हो, 300 साल का कहानी की बताए, 300 साल मेरा दादा पर दादा जी का रखा है,
तो संगत जी 300 साल पुराना गुरु साहब का स्वरूप इसमें ना जो है लग गया है वो कीड़ा बोले रहे जिल्द लगाए तो इसमें बढ़िया से तो बोले हाँ भेजेंगे करेंगे तो भाई गा के जो भी करना ही क्या होगा हमको तो अपने यहाँ ठिकाना नहीं। सो संगत जी देखो पटना साहब तो करीबन 17 किलोमीटर दूर ये मठ विच 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर एक स्वरूप देखो पटना साहब की गल कर रहे पटना साहब ने गुरु ग्रंथ का स्वरूप इन्हें दिता नवा केंद्र जी आप स्वरूप महाराज नहीं देते किसने कहां से लेके आए भैया स्वरूप ये हाँ ये वाला हाँ ये राजा सिंह लेके आए थे पटना तक श्री हरमंदिर जी साहब से पटना साहब से लेके आए थे कौन था किस किसके पास से लेके आए थे गुरुद्वारे से नहीं क्या नाम था उसका राजा सिंह जी क्या क्या होता था उसका वो पहले वहाँ का सेकंड प्रधान सेकंड प्रधान कितने का दिया आपको उसने पहले वहाँ का था वो चरणजीत सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हाँ। उसके बाद ढीलम साहब थे ढीलम सेक्रेटरी उसके बाद अभी गजेंद्र सिंह तो कितने पैसे कितने माया दिए पैसे कितने दिया नहीं थे वहाँ वही लोग लेके आए हम तो यहीं थे आप नहीं लेके आए कौन लेके आया था साथी संगी उनका नहीं आपका कोई था लग क्या लगता वो जो है कौन मेरा कोई नहीं जो ये प्रकाश लेके आए महाराज का राजा सिंह लेके आए रहे राजा सिंह यही का प्रधान है कोई नहीं नहीं वही का है पटने का पटने तो हमें ये वृद्ध स्वरूप बहुत 300 साल पुराना स्वरूप मैंने रखा शाम के देखो तखत जी तखत जिला तखत है साडा इतने कोई प्रकाश देने का फर्ज नहीं बनता क्योंकि मर्यादा ही नहीं इतने ना कोई सोखा था ना कोई प्रकाश इन्होंने कमेटियां देखो क्या कि हाल बने आपा तो ये नवे प्रकाश नहीं पुराने पर हूं आज 10 साल तो पहला गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश दिता ना इतने पढ़ने आता अपनी पंजाबी पढ़ने आती है देख लो ये है पटना साहब की कमेटी उस बंदे पंजाबी पढ़ने नहीं आती तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी इस बंदे महत्व दे दते है कोई बनता हिंदी कमेटियां ने गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी साडे आदे लोग ही दर्शन कर लो इन्होंने पुरातन रखे जिहड़े हिंदी वगैरह कोई संगत जी पुरातन स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी साफ संभाल ही नहीं देता जे सारे नवे करने वाले है रखने वाले है सारे 300 साल पुराना साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप ये ना थोड़ी कपड़ा दो मैं साफ कर दें कुछ चिट्टा कपड़ा है दो जे झाड़ लो ना झाड़ो लिखा पिया बहुत 300 साल पुराना चलो बाबा जी इसको आप क्या करोगे बोलो अभी रखेंगे मेरा इष्ट देव है किसी को थोड़ू कर देंगे तो फिर बेअदबी हो रही है तो वो आएंगे अभी बोल के गए थे जिंदर से नहीं कर सकते नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो फिर अपने लगवा लेंगे दुकान पे हम उनका दुकान पे ये दुकान पर चलो ऐसे करो हमारे सेवादार आ रहे हैं इधर जेस की सारी जेस ला के जो भी बाहर आने जाएंगे ठीक है तो जेस रूप हिंदी में रह लो ये दे दो यहाँ मेरी चीज देखिए एक घर सरदार जी रह रहे गुरुमुखी का किसी को ज्ञान है ये सरदार जी उसके बाद हम बोले कि जो भी अगर प्रकाश का होता है या भजन कीर्तन का जो किताब होता है हाँ उसमें देखिए वो रखा हुआ होगा लिख लिया और सिखों का बुनियाद बड़ा है ये जो हमारे का प्रकाश उल्टा को रखा हुआ है वही रख के सर हम ग्रंथी भेज दो अभी तक ग्रंथी भी नहीं आया सेवाधार भी नहीं आया तो यहाँ कुछ रहेगा तब ना सोचा महता ने यहाँ देखो प्रकाश रखी है पर पता नहीं की गुरु साहब का अभी हमारा देखिए कोर्ट का काम है ये गुरुद्वारा में किस चल रहा है चिंता करना ज्यादा गुरु साहब ठीक है
उसके बाद हम आएंगे, वो गिटार का दुकान है यहाँ सब्जी नहीं ना 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 उधर नहीं जाएगा जना, पर्चा कराएंगे तो और क्या क्या समझा क्या है तुम्हें आपने ले जाने के लिए? वो तो वहाँ गए जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो बोले कि अब्दुलदास जी अपना कोई स्टूडेंट नहीं रहा है, हम नहीं दिया किसी को, अब देखो बांध के गए सर उसी बात अच्छी इतना साफ संभाल की आप इतना बचा के रखे हुए ने, तो अपना जाते कितना मतलब बर्बाद हो जाते हैं। आज हम क्या है इसको ऐसे रखते हैं, देखो कीड़े लगे हुए हैं, देखो वही कपड़ा भी देखो सुसरी देखो कीड़े लगे हुए हैं, टेकिया उठिया सब दिए रहे, उठाओ देखो कितना कटा, देखो पता नहीं है कितना है, ऐसे रखते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को तो नया दो कपड़ा दे दिया बापू होगा तो ऐसे रखेगा उसे वाहेगुरु वाहेगुरु बाबा इन्हू नमा पावा इन्हू तो ही प्यार ना करिए नहीं आ जब पाउंडी नौ बताओगे तो पावांगे एक घड़ी काट दिया ये अरे पाउंड रखो तो थोड़ी लगता है पता नहीं था पैसे पैसे नहीं महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब पता नहीं था ले रहे मेनू वो इन्हों की तो गल है संगत जी पटना साहब की कमेटी का यह हाल आना प्रकाश दिता पंजाबी पढ़ने नहीं आंदी कहता मेनू उदे दे गए राजा साहब पता नहीं कौन सी राजा साहब जी राजा वो जो बांध रखा ना आपने ये इसमें खोल कर देखो बाबा जी देखो शहर श्री गुरु ग्रंथ साहब के नवे प्रकाश आ रहे नवे प्रकाश दी दिते दो बज गए दस साल नहीं है दस साल नहीं हो नवा प्रकाश है यहाँ से तो ये लोग जमीन से गुरुद्वारे का हर पे हुए किराया किराया कुछ दे रहा है तो आप जगत श्री वो है कि भाई ये लोग को उधार कीजिए आप लोग खाइए भगाइए अभी केस चल रहा है। हाँ शंकर जी देखो जी हाँ शंकर जी देखो आ हाल इन्होंने महाराज प्रकाश रखे तुझे आप देखो ओए होए होए कितने दिन आ रखो आ कीड़े पड़ गए कीड़े कीड़े पड़ गए हैं कीड़े ये देखो जी मंत्र क्या करेगा बताओ जी देखो एक मिनट ना कर रहा मत ना कर तू हूं भी करेगा तू पहले नहीं किया सफाई रखे हुए निकलती बाबा जी ओता ही नहीं आ देखो ए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी देखो संगत जी पटना साहब की कमेटी के हाल देख लो ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਹਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਦੀ ਆਖਾ ਆ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠ ਬੈਠਾ ਆਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ ਥੱਲੇ ਜੀ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ बाबा जी बाहर झाड़ू
कीड़े पड़ गए बाबा जी नीचे, तो गुरु ग्रंथ साहब जी के नीचे कीड़े है। बाबा जी ओच गंड जी मारी ओद वेखो ना ये सब दो देना अच्छे से ठीक है सारा अच्छे दो देंगे हाँ मैं क्या बैठे जाती है एक मिनट रुक जाओ बाबा जी चले बिछाओ चली तरह हाँ बिछाई करो यार सुन लाइए तो सब सुन लाइए सुन संगत जी ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਆਂ ਘੱਟਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਵੇ ਹੋ ਵਹਿ ਸਿਵ ਤੁਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਲ ਸੋ ਛਟੀਆ मल जनम जनम दी कटी है पादशाह सिर सांदे साहु सबना दावे साहु रिवाहु साहिब जीओ तलंग लानो माता भी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चेतना है तो चेतल निस दिन में प्राणी छिन छिन औध देहात है फूटे घट जू पानी चेतना है तो चेतल निस दिन में प्राणी छिन छिन औध देहात है छूटे घट जू पानी राव हर गुण गाहे न गावे मूर्ख अज्ञाना टूटे लालच लाग के नाहे मरण पिछाना अजो कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे कौ नानक तै भजन तै निर्भय पद पावे
कौ नानक भजंत निरपय पथ पावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो संगत जी, इस महंत दे डेरे विच जिहड़ी पटना साहिब दी कमेटी आ, तुसीं सारी वीडियो देख लई आ, इसे तरह ही प्रकाश और रख के चल गए। किन्ने देर हो गए सिरके नूं? मतलब 5-7-8 साल हो गया। 10 to 5-7 साल आ गए। एक अभी खोला इसे? और जैसे बांध के गए सर जी, 5 साल नहीं हुआ भाई। और बताओ, और 2 साल हुआ या साल हुआ? अभी 10वें गुरुपर्व जो मनाया गया, तो सभी लोग रजौली चल गए। बोलो सर जी, हम अकेले क्या क्या करेंगे? एक बंदा क्या करेंगे हम? पूरा छत्ता का पानी छूटा रहा दरबार साहब में, पूरे देख रहे हैं ना, पूरा पानी छूटा रहा, हिया में पानी आ जाता है हिया। सो संगत जी, तो इसको देखिए चिल करा है ये कालिया कमेटियां। तो देखो जी, सरकार आ गुरु साहब का ना, कमेटियां का सिर्फ लाइव चैनल वड़े वड़े चैनल से गल्लां होंदियां सरकार गुरु का, पर जिले ग्राउंड लेवल से गुरु घर मंदिर जाके देखी देना बिहार के। महाराज बख्श ले, तुसी सारी वीडियो देखी आ किन्नी बेअदबी हो गई गुरु साहब की। थले महाराज के कीड़े लगे आ, गुरु साहब का प्रकाश नवा वह मंत दस रहा। ऐदा ही मैनू प्रकाश दे गए बन के। कितने आए थे वो लोग? एक बोलोरो से आए थे। एक ही तैयार नहीं? बोलोरो में थे 4-5-6 लोग। अच्छा, ठीक है। और वहाँ से जब वो सिर पे लिए, तो जल रास्ता में छिपते हुए वाहेगुरु सतनाम एक ओंकार का नारा लगाते हुए आए और यहाँ प्रकाश किए। तो हम उनको बोले कि आप भगवान का स्वरूप यहाँ रख दे रहे हो, तो फिर इनका प्रकाश कौन करेगा? ये भाषा का कोई ज्ञाता नहीं है। तो उन्होंने बोला हमको, हम दरबार साहब में बोल रहे हैं, सच्चा आप झूठ नहीं बोलने वाला, हमारे पास कौन है? हम गुरु का कसम खा के बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग मेरा भाई हो, इसका उद्धार करो, बहुत बढ़िया होगा, और नहीं तो गुरुद्वारा जो है लुटिए रहा और भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तुमने जो बोला ना प्रकाश नहीं करेगा, फिर तो हम बोले कि आप जब इस भगवान को देखो, एक मिनट, भगवान का स्वरूप को आप रख दिए यहाँ, महाराज का स्वरूप महाराज का स्वरूप को जब आप बोले तो सही, तो मतलब भगवान का स्वरूप का जब आप रख दिए हैं महाराज का, तो इनका प्रकाश सुबह शाम होना चाहिए ज्ञान का। हाँ, उसके बाद लंगर जो है प्रसाद, जो महाराज के प्रसाद है वो भी, और पूछो घटना का नमा, हाँ वो भी बटना चाहिए। जो पढ़ाओ मुझे, तुम बोलो मुझे पढ़ाओ। ये हम लाए पटना से ही, उसमें भी काम चार भी है और सब पलती होगा, ये सब धो लेंगे ना जल्दी, तो यहाँ दिखाए रखते हैं चादर वादर सब। ये अभी पुचारा जो हुआ ना, ये तो मतलब कभी कभी ये सब धोएंगे अभी इसको सब। अच्छा, ये खट्टा ही लड़क होगा। तो हम कहा कि आप महाराज को रख दिए तो प्रकाश कौन करेगा भाई? तो जानते हैं उन्होंने बोला कि सेवादार या ग्रंथी भेजेंगे हम। आज तक सर जी नहीं कोई भेजा, तो हम कितना बार बोलेंगे आपको? 2 बार 10 बार बोलेंगे, उसके बाद कोई ध्यान जगह कब्जा करने के लिए तभी हमारे का प्रकाश कर दिया। वाह, कोई ध्यान नाम का चीज नहीं है सर, तो हम क्या बोले? अभी देखिए, बस जमीन के पास। सही बोले यार, ठीक बोले। हाँ, जमीन का कब्जा करने, ओ हमको ये बात नहीं मालूम सर जी, हम सच्चा आदमी, हम झूठ मूठ बोलने वाला आदमी। अब जो भी गुरु महाराज के सेवा जो करते अपना नाम का स्तुति, क्या बात है। चलो सिर खज के आओ, सिर के सिर पे कपड़ा रखो। हाँ क्या भैया, तो सुनिए, अब मेरा बात सुनिए, ये मेरा जमीन जो है, जो हमारे गुरु जी है, देखिए वो ये यहाँ का मालिक थे गुरुद्वारे का, हमारे दादा जी, तो 81 में हमको कागज हैंड ओवर किए कि हमारे गुजर जाने के बाद जो भी हमारा प्रॉपर्टी उसका उत्तराधिकारी मैं हूँ। आगे देखिए बोर्ड लगा हुआ, तो ये सब जमीन जो अभी दिखाएंगे सर। चलो मासी, कोई बात नहीं, ऐसे करो, तो एक मिनट सुनिए ना। तो मतलब ये जो गुरुद्वारे का जमीन है सर, जो आप किराया नहीं दीजिएगा तो गुरुद्वारा का विकास कैसे होगा? हवा पर तो आदमी नहीं जिएगा,
तो हमने तकत शुरू किया था इस कारण से कि चलो गुरु घर से पवित्र भूमि तो और कुछ होता नहीं है, गुरु घर का चीज है गुरु घर में दे देंगे। एक मीडिया और कुछ ऐसा करो सर जी कि इसका विकास करो, मेरा विनती यही है। चलो एक मिनट जी पटना साहब की कमेटी है, पटना साहब की कमेटी है ये उठाने लैग नहीं है चलो बड़े सत नाम वाहे गुरु, 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 सत